हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आपको? यस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे, ठीक है? आज एक ऐसी आईटीआर हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें मंडे को उसको फाइल भी करना है। इसकी लास्ट ईयर की डिस्कस करेंगे, फिर करंट ईयर की इसकी हम फाइल करेंगे। एक सेक्शन होता है 44 AD। क्या नाम है सेक्शन का? 44 AD। हुआ क्या, जो छोटे व्यापारी हैं, जो अपने छोटे व्यापारी होते हैं, वो अपने अकाउंट्स नहीं बनाते, अपने अकाउंट्स नहीं बनाते, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते, ना बैलेंस शीट बनाते। तो उस केस में क्या होता है कि वो आईटीआर नहीं भर पाते। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि हम आपके लिए एक सेक्शन इंसर्ट करते हैं जिसको क्या बोलेंगे, 44 AD। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल, बड़ी मिनिमम डिटेल देकर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 44 AD, इसी आईटीआर के माध्यम से हम समझेंगे कि 44 AD होता क्या है। पहली बात तो 44 AD को हम क्या बोलते हैं? सुगम 44 AD को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिव इनकम, परज्यूम इनकम, जिसमें हम इनकम को एस्टिमेट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? हेलो, सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस तो क्या करते हैं हम, परज्यूम करते हैं अपने प्रॉफिट। सर। तो ये एक क्लाइंट है जिसका नाम क्या है, कुलदीप। और क्या है ये, इस पैन कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल है ना? इस 44 AD में गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अकाउंट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको दूसरी फॉर्म में क्या बोला जाता है, ऑन नॉन ऑडिट नो अकाउंट केस, अकाउंटिंग केस। नॉन अकाउंट केस, ठीक है? यस अब 44 AD हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। हर कोई 44 AD के अकॉर्डिंग टैक्स अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? या तो इंडिविजुअल करेगा, ठीक है, या फिर अच्छा HUF करेगी, या फिर पार्टनरशिप। कौन करेगा? पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड, इसमें लिखा अदर देन LLP। तो तीन लोग क्या कर सकते हैं, 44 AD के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। कौन कौन, इंडिविजुअल बोलो मेरे साथ। एचयूएफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप कम विदाउट अदर देन एलएलपी। LLP, मतलब LLP अगर चाहे तो LLP फाइल नहीं कर सकता, ठीक है? LLP जिस जो रन कर रहे हैं, LLP जानते हैं ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो रन वो इस आईटीआर के, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकता, ठीक है? अब एक चीज और देखो, अब ये बंदा क्या काम करता है आपको पता है? नेचर ऑफ बिजनेस से देख के क्या लग रहा है? होलसेल एंड रिटेल ट्रेड होलसेल होलसेल ट्रेडिंग करता है ये। ये क्या करता है? ट्रेडिंग करता ट्रेडिंग करता है, ठीक है? तो कोई ये ट्रेडिंग करता है, पर कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ लोग, क्या बोला, कि कुछ लोग ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कौन कौन से लोग नहीं कर सकते? एक तो अगर आपका प्रोफेशनल है, आपका क्या है प्रॉफिट प्रोफेशन, अगर आपका क्या है, आप क्या हो, प्रोफेशनल हो। अगर आपकी इनकम कहाँ कवर्ड होती है, प्रोफेशन में। प्रोफेशन कौन होते हैं? मैंने बिजनेस और प्रोफेशन जब कराया था आपको, शुरू में बताया था ना, तो प्रोफेशनल बिजनेस लॉयर हाँ सीए लॉयर
हाँ, जिसमें आपको जिसमें आपको एक्टिविटी करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ डिग्री रिक्वायर्ड हो, जैसे CA, CS, LLB, है ना, CWA, आर्किटेक्ट, है ना, तो ये सारे क्या है, प्रोफेशनल है। क्या है ये? प्रोफेशनल है। प्रोफेसर तो इनको करने के लिए आपको डे, तो प्रोफेशनल वाला बंदा 44 AD में अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता, एक नंबर बात। दूसरा, अगर आपका क्या है, बिजनेस किसका है, कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस है, किसका, कमीशन या ब्रोकरेज। कमीशन या ब्रोकरेज, जैसे कि आप LIC एजेंट हो, क्या हुआ, आप LIC LIC एजेंट हो, तो आप 44 AD फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो 44 AD फाइल करेगा वो कौन सी ITR फाइल करेगा, ITR ITR 4 4। फोर। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, आप कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हो, या फिर आपका क्या है, एजेंसी का बिजनेस है, किसका, एजेंसी एजेंसी ले लेते हैं ना, यस सर। एजेंसी का बिजनेस है, या फिर आपने आप क्या कर रहे हो, है ना, आप व्हीकल में, एक सेक्शन और भी है 44 AE, इसमें क्या है, बिजनेस फॉर, जिसमें आप क्या कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो, लीजिंग कर रहे हो गुड्स कैरेज को, लोरी का बिजनेस होता है ना, जिसमें आपके पास गाड़ियां होती हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बोले तो, यस सर। है ना, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये चार किस्म के लोग क्या हैं, इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते। पहली नंबर चीज बताई मैंने, क्या आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, एसक्यूएल एसक्यूएल और पार्टनरशिप भी, वो भी पार्टनरशिप रेजिडेंट, वो भी रेजिडेंट, रेजिडेंट। मतलब अगर आप बाहर के रहने वाले हो और इंडिविजुअल हो, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें भर दोगे, क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट HUF होना चाहिए, और रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म हो, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया कि कौन कौन से बिजनेस वाले लोग इसको फाइल नहीं कर सकते, कौन से नहीं कर सकते, सर प्रोफेशनल एलआईसी वाले, का ट्रांसपोर्ट कमीशन एंड ब्रोकरेज का बिजनेस हो वो फाइल नहीं कर सकते, है ना, जिसका वाले, जेंट्स एजेंसी बिजनेस हो वो नहीं कर वाले, सकते, और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स गुड्स कर रहे हैं, गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो लॉरी का बिजनेस होता है, वो लोग भी इसके अकॉर्डिंग फाइल नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ये पॉइंट, ठीक यस सर। है। अब इस ITR, यही ITR हम अगली बार भरेंगे, इसको रब कर दूं क्योंकि नीचे ले जाना है मेरे को। जी सर, यस सर। अब इसके बाद आ जाओ जी इसकी टर्नओवर पे, इसकी ग्रॉस रिसीट कितनी है, 49,12,000 169,12,160 उसकी ग्रॉस रिसीट कितनी है, 49,12,160। तो गवर्नमेंट एक और चीज बोली, क्या बोली, कि अगर आपकी टर्नओवर कितनी है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भी आप 44 AD में फाइल नहीं कर सकते, क्या बोला गवर्नमेंट ने, आपकी 2 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है दो तो करोड़ से ज्यादा है, तो आप 44 AD में अपनी रिटर्न फाइल नहीं नहीं कर। कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे ये 44 AD है क्या, 44 AD, 4 AD, 44 AD की बात हो रही है, ये असल में है क्या, है ना, तो ये देखते हैं 44 AD है क्या। देखो, अब ये एक पर्सन था, इस पर्सन ने क्या करा, इस पर्सन का काम था, इसकी ये बेसिकली काम करता है, जो फोटोकॉपी की मशीन्स होती है ना, उनकी ट्रेडिंग करते हैं ये, क्या करते हैं, फोटोकॉपी की जो मशीन होती है उसकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं, करते है ना, तो ये ट्रेडर है। अब इसने अपने अकाउंट्स नहीं बनाए और ये हमारे पास आ गया कि भाई ITR तो भरनी है, क्योंकि तो ITR तो बिजनेस करने वाले लोग आदमियों को मैंडेटरी है फाइल करना, है ना, सैलरी के लिए थोड़ी छूट है, बट बिजनेस अगर आप करते हो तो आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपके पास कोई भी छूट नहीं है, चाहे आप 1 रुपए की इनकम करते हो या आपको लॉस है, कुछ भी है, अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, है ना, बिजनेस और प्रोफेशन में हो, तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है,
उसमें उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ठीक है, तो आपको फाइल करना ही करना है। अब इसको फाइल करनी थी, अब ये हमारे पास आ गया कि सर मेरी आईटीआर फाइल कर दो। मैंने कहा लाओ जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाओ, और अपना क्या लाओ, अपनी बैलेंस शीट लाओ, अपने खाते लाओ, अपनी रिटर्न्स लाओ। तो ये बोला सर मैंने ऐसा तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं बनाया तो रिटर्न कैसे फाइल होगी। तो इस टाइप की समस्या थी। तो गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एक सेक्शन को इंसर्ट कर दो जिसका नाम क्या दो, देखो ये लिखा है क्या, 44AD, और इसको क्या बोल दो, प्रेजेंटिव इनकम, परज्यूम कर लो। अब परज्यूम किस बेसिस पे करेंगे, उन्होंने क्या बोला, परज्यूम किस बेसिस पे करोगे। तो उन्होंने, हमने बोला कि ऐसा करते हैं सर, गवर्नमेंट ने बोला आपके अकाउंट में जो भी पैसा आया है, आपके अकाउंट में जो भी पैसा आया है बिजनेस का, उसको हम आपकी क्या मान लेंगे, टर्नओवर, ठीक है, क्या बोला, जो भी आपके अकाउंट में पैसा आया है, कैश में या बैंक के मोड में, कैश आपके पास आया आपने बैंक में जमा कर दिया, जो उस बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास दो तरह से, जैसे ये है केप इंटरप्राइजेस के पास दो तरह से पैसा आएगा, या तो इसके पास क्या आएगा, कैश आएगा, या क्या आएगा, बैंक में आएगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों को जोड़ो और इसको हम क्या मान लेंगे, आपकी टर्न और इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस रिसीट, लिखा है ना, ये देखो क्या लिखा वो बेटा, ग्रॉस रिसीट। मैंने आपको एक और चीज डिस्कस की थी ना कि करीबन 80% लोग कौन सी आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर वन, और 15% लोग करीबन आईटीआर फोर। तो हम आईटीआर कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, फोर, और इस फोर का उद्देश्य क्या है, जिसमें आप अपना अकाउंट्स नहीं बनाते, मेंटेन नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, ठीक है ना। ज्यादातर बिजनेसमैन इसी को फाइल करते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला आपके पास टर्नओवर निकल गई, आपके पास कैश में कितना पैसा आया है और बैंक में कितना पैसा आया, चलो जी हमने कैलकुलेट कर ली। अब उन्होंने बोला कि अब हम क्या बोलते हैं, आपने ग्रॉस रिसीट तो दिखा दी, ठीक है, पर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका पैसा आया है, जो आपके बैंक में आया है, उस पे तो मिनिमम इनकम कितनी मानी जाएगी, 6%, और जो कैश में आया उस पर मिनिमम इनकम कितनी मानी जाएगी, 8%। इससे कम आप शो नहीं कर सकते, क्या बोला, इससे कम आप शो नहीं कर सकते। अगर इससे कम आप शो करोगे तो फिर आप 44AD में के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि आपको जो भी पैसा आया है उसका मिनिमम, बैंक में आया ना सारा पैसा, तो देखो मिनिमम जो 6% है कितना निकला, 2,94,729 रुपए हम आपकी क्या मान लेंगे, इनकम। अब कैश में इसके पास कोई भी पैसा नहीं आया है, सारा काम पक्के में करता है, अगर कैश में होगा तो हम उसकी 8% इनकम मान लेंगे, और इन दोनों को जोड़ के बोल देंगे कि ये क्या हो गई आपकी इनकम, ये क्या हो गई है, ये आपकी इनकम है, ये देखो ये आपकी इनकम है। बट इसने बोला कि सर मुझे तो 6% से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, 11% 11.73। तो गवर्नमेंट बोलते है कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा दिखा दो, 6 और 8% से कम नहीं दिखा सकते। बोलो समझ में आया, yes, sir. जो भी पैसा आपके पास आया, गवर्नमेंट ने बोला, अब इसमें कैश में कुछ नहीं आया, गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो भी पैसा आपके पास आया उसका मिनिमम 6% आपको दिखाना है अगर पैसा बैंक में आया, और 8% दिखाना है अगर पैसा कैश में आया। तो कैश में कितना आया, 0, तो 8% कितना हो गया, 0, है ना। जो 6% बना तो कितना बना, 2,94,729। बट इसने क्या बोला कि सर मेरा प्रॉफिट तो ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोली अच्छी बात है, आप ज्यादा इनकम डिक्लेयर करोगे तो ज्यादा टैक्स बनेगा, तो इसने कितना कर दिया, इसने कितना प्रॉफिट दिखाया अपना, 11.73। गवर्नमेंट बोलते हमें कोई परेशानी नहीं है, आप ज्यादा दिखा सकते हो, उसने कितना प्रॉफिट दिखाया, 11.73, और कितनी इनकम बन गई इसकी, 5,70,160। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ, यस सर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 44AD के अकॉर्डिंग इसने अपनी इनकम को कैलकुलेट कर दिया। बताओ सिंपल सा है ना,
आपको दो चीज कैलकुलेट करनी है कि आपसे बैंक में कितना पैसा आया और कैश में कितना पैसा आया। जितना बैंक कैश में पैसा आया तो जितना पैसा आया उसका 8% को इनकम मान लो, जितना बैंक में पैसा आया उसका 6% को इनकम मान लो, और इन दोनों को जोड़ दो तो हमारी क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी या पीबी लिख दो, बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, देखो ऐसा ही हुआ। अब इसकी इनकम कितनी थी? 5,76,000। ये देखो ये क्या आ गई, इनकम चैप्टर क्या आई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD। कितनी आ गई जी? 5,76,000। सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं आईटीआर में, 10 मिनट के अंदर ये आईटीआर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके पास बस ये डिटेल आपसे पूछनी है उनसे कि भाई बैंक को, उसको बैंक की क्रेडिट साइड को पकड़ो, क्रेडिट साइड में देख लो कितना पैसा आया जी, बैंक में इतना पैसा आया, उसमें से देखो एक दो जो ट्रांजेक्शन मान लो कहीं रिलेटिव से आया है या अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन एक बैंक से कॉन्ट्रा एंट्री की है एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो 5-7 टाइप की एंट्री अलग करो, और जो बिजनेस की एंट्री आ रही है उसको उसको देख के अलग और उसमें 8% कैलकुलेट करके क्या निकाल दो, क्या आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर ठीक है ना, फिर इसमें क्या आया, ये कुछ सेविंग इसका अकाउंट था वहां पर क्या आया हुआ है, इंटरेस्ट आया कितना, 31,311 रुपए। तो इसकी जीटीआई कितनी होगी जी, दोनों को जोड़ेंगे, इसकी कितने सोर्स से इनकम हो रही है, दो सोर्स से। टोटल सोर्स कितने होते हैं, 5, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो इसकी सैलरी से इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन से नहीं है, पीजीबीपी से है और अदर सोर्सेस। तो पीजीबीपी से ये रही और अदर सोर्सेस ये रही। तो इसकी जीटीआई कितनी होगी जी, 6,07,431 रुपए। इसमें से फिर हमने शुरू में फॉर्मेट डिस्कस किया था, क्या मिलता है, डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन ATC कितनी मिलती है जी, 1.5 लाख। फिर उसमें क्या मिलता है, एक सेक्शन होता है आगे देखेंगे डिडक्शन में, ATTA, जिसमें क्या मिलता है, सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें से 10,000 रुपए तक का माफ है। कितना आया है, 31,000 रुपए, उसमें से 10 माफ है, तो बाकी पे क्या लग जाएगा, देखो ना इतनी इनकम हुई तो 1,60,000 रुपए माइनस हो गया, ये हमारी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम। क्या है जी, टैक्सेबल। सर ये ATC की डिडक्शन 1.5 लाख की लिमिट है इस पे? हाँ, ATC की कितनी लिमिट है जी, 1.5 लाख। ठीक है सर, ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम है ना। फिर टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग अपना क्या हुआ, टैक्स हमारा क्या लग गया, ये टैक्सेबल इनकम आई जी। देखो टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग क्या है, पहले 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट, के बाद 5%, है ना, तो 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट, तो टोटल इनकम में से 2.5 लाख घटा दिया, इतनी इनकम बची, इस पे 5% कैलकुलेट करा, कितना टैक्स हो गया जी, 9,874। इस पे फिर 4% क्या लग गया जी, कितना टैक्स हो गया, 10,259। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा हुआ है सर, ड्यू डेट का नहीं, जिस पर्सन की भी इनकम, जिस पर्सन का भी टैक्स लायबिलिटी, ध्यान से सुनना, जिस पर्सन का भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, उसको अपना टैक्स एडवांस में देना, और उसको क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स। अब इसकी लायबिलिटी कितनी हो गई, 10,000 से ज्यादा हो गई। अब एडवांस टैक्स की भी 4 डेट होती हैं, कौन कौन सी, 15 जून ये हम देखेंगे, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, साथ साथ बोला करो, 15
मार्च मार्च ठीक है, बट गवर्नमेंट ने एक चीज और छूट दे दी कि अगर आप आईटीआर 44AD भरते हो तो आपको इन तीनों डेट पे अपना टैक्स नहीं जमा कराना। आप एक ही बारी में अपना सारा टैक्स लमसम कैलकुलेट करके 15 मार्च से पहले जमा करा दो, पर इसने 15 मार्च से पहले जमा नहीं कराया। नहीं और नहीं कराने के लिए हुआ क्या, देखो इस पे चार करा महीने का इंटरेस्ट लग गया, यस है ना, सर, 4 महीने का क्या लग गया इंटरेस्ट, यस सर, और कैलकुलेट करके कितना आ गया, 510 रुपये। 10 रुपए अब नीचे कैलकुलेशन भी लिख दी हमने, हमने क्या लिखा, क्या लिखा लीजिए जी, हमने इंटरेस्ट चार्ज हमने अंडर सेक्शन 234। क्या लिख के दे दिया कि भाई जो इंटरेस्ट है इसको हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे, अगर आप एडवांस टैक्स अपना टाइम से नहीं जमा तो दो बी और सी लगता है, और रिटर्न अगर लेट जमा करते हो तो 234A लगता है। इसको तीन सेक्शन है बड़े इंपॉर्टेंट, ये करेंगे ए बी सी। तो इसमें बी देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अप टू जुलाई 2019 और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये बता दिया कैसे कैसे कैलकुलेट किया है, ये हमने ये डिटेल में करेंगे, ये अभी मत देखो। अभी आपको क्या देखना था कि भाई 44AD हम रिटर्न फाइल करेंगे तो कौन फाइल कर सकता है, मेरे साथ रिपीट करो, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप अदर देन एलएलपी। एलएलपी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 करोड़ दो करोड़ और कौन कौन से पर्सन फाइल नहीं कर सकते, एक तो प्रोफेशनल, प्रोफेशन, एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एक एजेंसी नहीं वाले, कर ट्रांसपोर्टर, सकती, और एक ट्रांसपोर्टर नहीं कर सकता, और एक कमीशन इनकम, कमीशन वाले नहीं कर कमीशन सकते। में कौन आ गया, एलआईसी हो गए या ब्रोकरेज कमीशन, प्रॉपर्टी कमीशन नहीं लेते, तो कमीशन इनकम वालों को ये अलाउड नहीं है। उनको कौन सी है, अगर आप देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो आपके लिए कौन सी आईटीआर बनी है, आईटीआर 1, 2, 3 और 4, फोर ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपको कौन सी, इन चारों में से कोई भरनी होती है। क्या बोला मैंने, रिपीट करो, अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल और या एचयूएफ में एचयूएफ हो इन चारों में आपको से एक इन बननी चारों में से कोई आईटीआर भरनी पड़ती है। है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इंडिविजुअल हो और साथ में बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सी दो आईटीआर हैं, 3 और 4। फोर अगर अगर 3 और 4 अगर आप 44AD में भरोगे तो तो 4, फोर और आप, मैं अब ये केपी बोलता गवर्नमेंट से कि सर मेरा तो 6% प्रॉफिट ही नहीं है, मेरा प्रॉफिट तो 5% है। क्या बोलता कि मेरा प्रॉफिट तो हाई 5% है, 5% है। 6% प्रॉफिट है ही नहीं, मैं क्यों दूं। तो गवर्नमेंट बोलती फिर आप क्या करो, अपने प्रॉपर अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, प्रॉपर प्रॉपर अकाउंट अकाउंट्स बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और कौन सी आईटीआर भरो, आईटीआर ITR 3। थ्री, जो कि बहुत डिटेल्ड आईटीआर है। एक एक बैलेंस शीट का सारी चीजें डिटेल डालनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है उसमें, ठीक है ना। तो ठीक है गवर्नमेंट ने सर, बोला कि भाई 44AD में करना है तो हाँ जी 6 और 8% कैलकुलेट करो और अपनी इनकम को डिक्लेयर करो और सिंपल सी आईटीआर फाइल कर दो, 10 मिनट में फाइल हो जाएगी। आप बोलते हो नहीं जी 6 और 8% मैं तो नहीं करूंगा, तो गवर्नमेंट बोलती है फिर आप क्या करो, थ्री आईटीआर थ्री थ्री। थ्री बनाओ। और अगर आपने एक बार आईटीआर थ्री चूज कर ली, क्या बोला मैंने, अगर आपने आईटीआर थ्री चूज आईटीआर कर थ्री ली चूज कर तो ली नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप उसी फोर्टी तरीके फोर भरने एडी पड़ेंगे। नहीं फाइल कर सकते। क्या बोला गवर्नमेंट ने, कि अगर पांच आपने साल एक बार बार भी चूज कर आईटीआर ली थ्री चूज आईटीआर कर ली, थ्री तो या फाइव आपने इयर्स बोल दिया तक कि भाई मेरा प्रॉफिट तो 6% से कम है, मैं आईटीआर 4 क्यों फाइल करूं, मेरा प्रॉफिट तो है ही नहीं उतना, तो गवर्नमेंट बोलती है तो आप क्या करो, प्रॉपर अपने अकाउंट्स बनाओ। क्या बोलती है कि प्रॉपर अपने अकाउंट्स अकाउंट्स बनाओ, बनाओ, प्रॉपर अपने अकाउंट्स बनाओ, और कौन बनाओ सी आईटीआर फाइल करो, आईटीआर आईडिया थ्री थ्री, जो थ्री कि क्या थ्री है, डिटेल्ड आईटीआर है। उसमें सारे प्रॉफिट एंड लॉस की एक एक फिगर पुटअप करनी पड़ेगी, है ना, बैलेंस शीट की फिगर्स डालनी पड़ेगी, और एक और कंडीशन लगा दी, ऐसा नहीं कि जब आपका मन करे आप आईटीआर 3 चूज कर लो, जब मन करे आईटीआर 4 कर लो। अगर आपने एक बार आईटीआर 3 कर ली तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आप उसमें कोई चेंज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। बोलो, आया समझ में, यस सर, यस सर।
ठीक है ना। अगर नेक्स्ट ईयर में अगर हमारा इनकम है और ग्रॉस रिसिप्ट है वो इतनी ही है, फिर भी नहीं कर सकते? कितनी? 2 करोड़ से कम है तो भी? 44 AD तो है ही 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए। नहीं सर, एक बार ITR 3 में गए फिर वो वापिस नहीं हाँ, किए। इनकम आपकी चाहे कितनी भी हो, ओके, फिर मतलब वापसी नहीं हो आप कह रहे सकती। हो, आप मान लो अगले साल इसकी इनकम 50 लाख, 50 लाख की रिसीप्ट आ गई इसको, और इसने इस बार तो ITR 3 चूज कर ली, उससे ओके, अगली बार भी 50 लाख है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, एक बार अगर आपने ITR 3 चूज कर ली तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आप इसी ITR 44 AD को चूज नहीं कर सकते, आपको नहीं कर सकते। ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट यानी सर, बोल, अगले साल अगर उसका प्रॉफिट हुआ है 10% और वो बताना चाहता है 6 या 8%, तो नहीं बता सकता? नहीं बता सकता। नहीं, 6 और 8 तो बता सकता है, आप बात नहीं समझे, 6 और 8 बताने में प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट तो बोल ही रही है कि मिनिमम 8% तो कैश का लेंगे हम, और मिनिमम 6% हम बैंक का लेंगे, ठीक है, 44 AD के लिए। आप उससे ज्यादा दिखा दो, इसने ज्यादा दिखा दिया ना, 11%, तो गवर्नमेंट बोल रही हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिखाता कि नहीं जी मेरे को तो प्रॉफिट कितना हुआ है 5%, तो गवर्नमेंट बोल देती फिर आप 44 AD में नहीं फाइल करोगे, नहीं, फिर आप कौन से ITR फाइल करोगे? ITR 3। ITR 3। और उस ITR 3 के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर बैलेंस शीट, प्रॉपर आपको खाते बनाने पड़ेंगे, डेटर क्रेडिटर सारी चीज डिटेल बनानी पड़ेगी, तभी ITR 3 फाइल कर सकते हो। ठीक है सर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने भाई जब 6 और 8, 6% पे काम चल रहा था तो इसने 11% क्यों दिखाया? सर हाँ बताओ। सर जैसे ही ये बंदा भर रहा है तो 3 साल में इसका बिजनेस बंद हो गया, तो अब हाँ चौथे हाँ साल ये कौन सी भर सकता है? अगर 3 साल से कोई ITR 4 भर रहा है और हाँ उसका हाँ इस साल बिजनेस लॉकडाउन में बंद हो गया सब उसका, अब वो अपने घर बैठ के कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इंडिविजुअल हो गया वो, कुछ तो ना अब कुछ वो क्या कौन कर सी रहा है? भरता है? कुछ ना मतलब कुछ सर जैसे किराया आ रहा है उसका, किराया आ रहा है। हाँ किराया आ रहा है, तो अब वो क्या भर सकता है? अब वो वो आईटीआर वो अपनी ये दिखाएगा, ITR 2 भर सकता है। मतलब भर सकता है ना वो हाँ चेंज, हाँ मतलब थ्री और बिजनेस, फोर बिजनेस के लिए नहीं कर अगर वो सकता। बिजनेस कर रहा है तो उसकी बात हो रही है। अब अगर उसका अच्छा, बिजनेस ही वाइंड अप हो गया और तो फिर किराए पर वो उसको निर्भर भर, है तो तो फिर वो फिर ITR 2 चेंज भर कर दो। सकता ठीक है। हाँ है सर, ठीक, ठीक है ना। ठीक है सर। तो नेक्स्ट 5 ईयर तक कौन सी भरेगा वो? 44 AD। एडी अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब 6 और 8% में उसका काम, गवर्नमेंट ने बोला कि 6% दिखा दो और ITR फाइल कर दो, तो इसने 11 क्यों दिखाया? बोलो। पहली चीज तो इसका प्रॉफिट रहा होगा, इसने सही इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर किया, नंबर एक बन यस है ना भवेश। सर, हो और गया। यस दूसरी सर, चीज, अगर ये मिनिमम 6% दिखाएगा और इसको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल चाहिए होगी, बैंक से लोन चाहिए होगा, तो फिर मिलेगा नहीं सर तो इसको। बैंक वाले बोलेंगे यार तू 50 लाख रुपए पे, अब तू 6% तो मतलब 3 लाख रुपए तू कमा रहा है, 3 लाख रुपए में तू हमें क्या लोन वापस करेगा और अपना क्या बिजनेस बढ़ाएगा? राइट सर, तो इसको यस सर, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल नहीं सपोर्ट किसको मिलती है? जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जा रहा हो सर। जिसका ग्राफ नीचे जा रहा होगा तो गवर्नमेंट, वो बैंक भी क्या बोलेगी कि भाई हम क्यों दें, आप तो अपना ही बिजनेस नहीं कर पा रहे, है ना। गवर्नमेंट यस क्या, सर, बैंक क्या देखती है? आपकी रीपेइंग कैपेसिटी देखती है, कि यस सर, आप वो लोन को वापस भी कर सकते हो क्या, और वापस करने की कैपेसिटी किससे आएगी? जब आपका बिजनेस ऊपर जा रहा प्रॉफिट में होगा, होगा। तो इसलिए ये प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं और होता भी है, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, समझ में आया? समझ में आ यस गए सर। सर। और एडवांस टैक्स के लिए मैंने क्या बताया कि अगर 44 AD में है तो उसको अपना टैक्स कब तक जमा कराना होता है? पहली बात तो एडवांस टैक्स कब लगता है? जब आपका 10,000 10,000 से से ज्यादा ऊपर है। हो सर। और इस केस में 44 AD में क्या हो गया, इसको एक ही इंस्टॉलमेंट में करानी है, 15 15 मार्च। ठीक मार्च है जी। यस सर। अब ITR के 2-3 हिस्से होते हैं, ये ITR की कंप्यूटेशन आपके पास है, ITR की कंप्यूटेशन आपके पास है। इसको बोलते हैं जी पार्ट ए। पार्ट ए में क्या जाती है? उसका SSC का नेम, क्या जाता है? SSC एसएससी का नेम, फादर SSC नेम, का नेम, फादर नेम, एड्रेस,
है ना, यस सर, ऑफिस एड्रेस, ठीक है, कौन सा, क्या इसका स्टेटस है, ठीक है, कौन से ईयर एंडिंग का है ये, कौन सा असेसमेंट ईयर है, देखो असेसमेंट ईयर क्या है, 19-20, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 19। अब 20-21 की हम इसकी मंडे को इसी का मैं डाटा बनवा रहा हूँ, यही फाइल करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। पैन नंबर है, फिर ये रेजिडेंट है। अच्छा ये बात बताओ, इस मेल और फीमेल, इससे कुछ फर्क पड़ता है अब टैक्स पे? मिनिमम स्लैब सबके लिए बराबर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सीनियर फीमेल सिटीजन के लिए थोड़ी सी अलग है, अलग ठीक है ना, सीनियर और सुपर सिटी सीनियर के लिए अलग है। फिर इसने जीएसटी नंबर भी लिया हुआ है ना। फिर ये है ओरिजिनल रिटर्न है या रिवाइज रिटर्न है, तो जी ओरिजिनल रिटर्न है। फाइलिंग की डेट क्या है ना, यस सर, लास्ट ईयर फाइलिंग रिव्यू भी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सीरियल नंबर, ना उसकी बैंक की एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, सब मेंशन है। ये पार्ट ए होता है। पार्ट बी में क्या होती है, पार्ट बी में क्या होती है, कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन उसकी इनकम कितनी आ रही है, इनकम कितने सोर्सेस से आ रही है उसकी, दो दो कोर्सेस, अदर पीजीबीपी और हाउस सोर्स एनी प्रोफेसर, अदर सोर्स अदर इंटरेस्ट। सोर्सेस। फिर इसकी क्या आ जाएगी, जीटीआई। जीटीआई के बाद क्या निकालेंगे, डिडक्शन डिडक्शन। क्या निकालेंगे, डिडक्शन डिडक्शन। ये जी डिडक्शन आ गई। फिर ये क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम। टैक्स टैक्सेबल इनकम से क्या निकाल दिया हमने, टैक्स। और टैक्स को जमा कराया, ये देखो ये जमा करा रखा है। क्या है ये, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोलते हैं जी, सेल्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स असेसमेंट टैक्स। जो हमने सेल्फ किया, हमारे यहाँ जो आईटीआर होती है वो क्या होती है, सेल्फ असेस। आप खुद सर, अपनी इसको कैसे आईटीआर, कैलकुलेट किया, 10,000 आपने खुद कैलकुलेट करो और अपना टैक्स जमा कर करो, दो। है ना। ओके इसने ठीक है ये सर, अपना चालान से जमा करा और फाइल कर दी। अब देखो अब क्या हो गया, आपने अपनी पेमेंट को किससे वेरीफाई किया, आपके जीएसटी के टर्नओवर से। देखो अब डायरेक्ट आपकी डायरेक्ट जो भी होती है ना जीएसटी पे, जो भी सेल है जीएसटी से इनकम इनकम का डाटे को मैच करते हैं, पहले ये नहीं था। अब आप आईटीआर भरते हो तो जीएसटी की रिटर्न भी नीचे लिख के आती है, ठीक है ना, ठीक है सर, ताकि ऐसा नहीं हो सकता। पहले होता था आदमी जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ और टर्नओवर दिखाता था और डायरेक्ट टैक्स में कुछ और दिखाता था, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। अब क्या कर दिया है, सारी जो भी जीएसटी में आपने सेल की होगी उसको कंपाइल करके यहाँ पर सेल आपकी आ जाती है। फिर उसके बाद इसने, इस पर एडवांस टैक्स लगता था और इसने एडवांस टैक्स को क्या किया है, लेट जमा किया है। क्या किया, लेट जमा कर लेट जमा किया, तो लेट जमा करने के लिए इसके ऊपर क्या लग गया, इंटरेस्ट, कौन सा, सौ पेनल्टी सौ चौंतीस 234। सी, ठीक है ना। देखो अप टू मार्च इसको इतना करना था, कितना करना था, अप टू 10,200 10,000 इतना दो भरना था सौ ना, दो टू सौ सिक्सटी उनसठ नाइन हाँ, तो 234 का ये, इसको 102 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ, और 234 बी का 500 रुपये यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। दोनों में कैलकुलेट, ये हम डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें। दोनों को जमा करके इसने जमा कर दिया, इसके जितने भी बैंक अकाउंट होंगे सबकी डिटेल आएगी यहाँ पर, ठीक है, जितने भी सारे बैंक अकाउंट होंगे सबकी डिटेल आएगी। और गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो डिटेल इसमें से अवेलेबल है वो दे दो, और नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। क्या बोला, जो डिटेल अवेलेबल है दे दो। इसने जैसे संडे क्रेडिटर का, इसको पता होगा कितने पैसे देने हैं, है ना, ये गलत लिख दिया, ये बैंक में लिखना था यहाँ पर। सर हाँ, बैंक बैलेंस नहीं लिखा इसमें, सारा हाँ ये बैंक बैंक निकाल बैलेंस दिया। में ही यहाँ गलती होगी बनाने में, ये बैंक और बैलेंस। सर ये लास्ट डेट का बैलेंस होगा ना, टोटल हाँ नहीं इकतीस होगा। इकतीस तीन 2020 का बैलेंस बीस होता है बीस ठीक है सर, यहाँ, जो बैलेंस आता है वो क्या आता है, 31 31। 31-3-2020 का बैलेंस, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो होगा हाँ सारे 31-3-2000 जो ईयर एंड होता है ना उसका यहाँ बैलेंसेस आपको भरने होते हैं, जो जो पता है। बस बैंक तो आपको मैंडेटरी है भरना, बैंक का तो आप भरो ही भरो, उसके अलावा जो है
वो भर दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का बैंक कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं, सिंपली नहीं नहीं नहीं, कैंडिडेटर्स इसका क्रेडिट मैच कार्ड। होना जरूरी नहीं है। तो देखो सर हाँ वही मैं दे रहा हूँ, मैच नहीं हुआ इसका। अगर मैच हो जाएगा तो IT-R 3 नहीं भर देगा वो, हाँ सर ठीक है IT-R 4 क्यों भरेगा भाई? ठीक है मिनिमम 6% प्रॉफिट और 11% दिखा रहा है तो वो IT-R 4 क्यों भरेगा? जब सारी वो बैलेंस, जब मैच होगा तो उसका मतलब उसने खाते अपने सारे अकाउंट्स बना लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, है हाँ सर। ना? ये 31/3/2021 होगा या 20 होगा? 21 होगा, यस 21 होगा, सर। ठीक पर है? सर ये तो 19/20 की है ना पुराने वाली। हाँ पुराना दिखा रहा हूं मैं, सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, किसी चीज में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही है, स्लैब सेम है, 6 और 8% सब सेम है, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस फिगर्स नहीं आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक ठीक है है? सर इस 44 AD की बात कर रहा हूं मैं, इसमें ठीक है कोई चेंज नहीं। इधर इन्होंने ग्रॉस रिसीट डाल दी है, ग्रॉस प्रॉफिट डाल दिया, ये सब डाला है, एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है? ये आपकी ITR है। सर। जो बैंक के सेविंग इंटरेस्ट में जो डिडक्शन है 10,000 की, अब जैसे वो दो बैंक अकाउंट होल्ड करता है तो मिला के 10,000 है या इंडिविजुअली 10,000 है? एक पैन कार्ड पे जितना भी इंटरेस्ट सर आ रहा आवाज आ होगा, रही है, सुनाई नहीं दे रहा। कहां से आ रही है? राहुल के वहां से आ रही है आई थिंक। राहुल यस सर यस। आप प्लीज थोड़ा सा देखो, है ओके सर। आप जितना भी इंटरेस्ट आए, क्या बोला? जितना भी इंटरेस्ट जितना सर। भी इंटरेस्ट आए आपके जितने भी अकाउंट से मिला के, वो सारा यहां लिखा जाएगा, ओके सर ओके ये सर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जितना भी आएगा सब यहां लिखा जाएगा, चाहे 10 अकाउंट आपके हों यहां लिखा जाएगा। और ओके उसमें सर। से छूट कितने मिलेगी? सिर्फ दस दस हजार हजार की बाकी पे क्या लग जाएगा? टैक्स, ठीक है सर ठीक है जी? ठीक अब कुछ आखिरी में कंक्लूडिव पॉइंट है 44 AD को लेके। आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि इसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। यस सर। पहली चीज तो कुछ पॉइंट्स हैं इसको लेके, फिर मैं कंक्लूडिव पॉइंट बताता हूँ आपको, ठीक है? आखिरी में डिस्कस करते हैं ये। चलो जी, पॉइंट्स कुछ हैं क्या? पॉइंट नंबर वन, इनको एडवांस टैक्स कब जमा कराना होता है? 15 मार्च तक मार्च सर, को, 15 मार्च। 15 मार्च से पहले। कब? फाइनेंशियल ईयर के अंदर, असेसमेंट ईयर नहीं, जिस साल का टैक्स है वो साल खत्म होने से 15 दिन पहले आप अपना क्या करा दो? एडवांस टैक्स जमा करा दो, अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा ऊपर बन ज्यादा जाए, 10,000 में सब जोड़ के, समझ रहे हो? टैक्स और एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ के, ठीक है जी? इसमें जो हमने अभी तक डिडक्शन पढ़ी थी ना, आपको ध्यान है 32, 37 के थर्टी बीच में, वो हम सेवन मान लेते हैं कि डीम्ड सब इसको मिल गई, है ना? हम सब मान लेते हैं कि इसको ऑलरेडी मिल गई है, इसको फर्दर कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि तो हमने तो क्या मान लिया है कि भाई हम तो सारे डिडक्शन मान रहे हैं, आप क्या जमा कराओ? 6 और 8% से अपनी इनकम मान लो, हम मान लेंगे भाई सारा आपका बाकी खर्चा हो गया, समझ गए? ठीक यस सर यस सर है ना? यस। और एक और पॉइंट है कि क्या वो अपनी इनकम 6 और 8% से ज्यादा दिखा सकता है? यस सर दिखा दिखा सकता सकता है, है, कम दिखा सकता नहीं दिखा सकता, ज्यादा दिखा है, ज्यादा सकता दिखा सकता है। क्या वो कम दिखा सकता है 6 और 8% से? नहीं सर। नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। कौन सी ITR भरी जाती है इसके लिए? IT-R 3 फोर ITR 4। कौन सी ITR भरी जाती है जी? आइडिया सो फोर ITR 4। देखो जी, कौन सी ITR बताई थी? IT-R 4 कौन भर सकता है ये? इंडिविजुअल एच कौन सा भर सकता है? इंडिविजुअल या HUF फॉर्म एफ अदर देन फॉर्म्स LLB?
वो भी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंट रेजिडेंट, रेजिडेंट। है ना। मतलब इनकम 50 लाख है। ये प्रोफेशनल के लिए है, ये वो जो मैं 44 AD पढ़ाऊंगा ना, ADA ये ठीक है पढ़ाऊंगा। सर। पहले हम क्या कर रहे हैं, 44 AD, एडी एडी तो AD के लिए लिमिट नहीं है। ठीक ठीक है है, सर। देखो क्या लिखा हुआ, गौर से पढ़ो। बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD, ADA और AE। ठीक ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, टोटल इनकम की। हम किसकी बात कर रहे थे, टर्नओवर की। टर्नओवर की, ग्रॉस ये किसकी बात कर रहा है कि छह और आठ इनकम की। परसेंट लगा के इनकम आ जाए। तो 6 और 8%, अगर 50 लाख का आप, 50 लाख अगर इनकम आई है तो उसका रिवर्स कैलकुलेट 6% करेंगे तो कितना बनेगा टर्नओवर, कैलकुलेट करो। 30 करोड़, है 30 करोड़ होगा। 30 करोड़ का 6%। नहीं, चार नहीं, का 8 करोड़ 33 आठ लाख करोड़ हाँ तैतीस 8 करोड़ 33 लाख 33,333 रुपए। तो इतनी अगर 8 करोड़ उसकी इनकम हो गई तो वो ये भर ही नहीं सकता। 8 करोड़ उसकी टर्नओवर होगी, सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ। ये क्या 50 लाख किसकी बात करता है, इनकम की बात इनकम कर, की बात इनकम कर। की, दो करो टर्नओवर की नहीं। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़। ठीक है, तो अगली बार ये ITR हम करेंगे। कौन सी ITR, ITR 4, और आपको बहुत कॉमन है ये, बहुत देखने को मिलेगी। एक ITR 4 ट्रेडिंग की करेंगे और फिर हम ITR 4 44 AD और AE की करेंगे। ये देखना, सबसे ज्यादा जो आसपास में आपके लोग आपसे ITR की बात करेंगे वो कौन सी भरवाएंगे, ITR 4। क्योंकि इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आप उनकी बैंक उठाओ, पूछो कैश कितना है, बैंक कितना है। कैश पे 8% और बैंक पे 6% से ज्यादा अगर वो आपको एग्री हो जाए तो ठीक है। तो मिनिमम 6 और 8% पे उसकी इनकम निकालो। इनकम में अगर उसको कोई और इनकम हो रही है तो जोड़ दो, GTI निकालो। GTI में डिडक्शन दो, डिडक्शन के बाद उसका क्या करो, उसकी टैक्स टैक्स कैलकुलेट कर बनता लो। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स बने, 90% केस में तो आप देखोगे टैक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि है। यस सर। 2.5 लाख रुपए का मतलब क्या हो गया, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन लिमिट होगी ना 2.5 लाख रुपए। तो आप ये देखो, मान लो 6% हम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं 6% हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर 40 लाख रुपए ये कमाता है, इसकी रिसीप कितनी है 40 लाख रुपए, 40 लाख। और 40 लाख का अगर हम 6% निकालेंगे तो भी 2,40 हो रहा है, इस पर टैक्स बन ही नहीं रहा है यस सर। ना, क्योंकि बेसिक लिमिट कितनी है 2.5 लाख। डायलॉग तो मान के चलो 40-50 लाख तक भी कमा रहा है तो उसका टैक्स बनेगा ही। नहीं बने। ठीक है जी, यस तो ये बढ़िया कॉमन ITR है और बहुत काम करने को मिलेगा। हम भी अगर हम, मेरे ख्याल से साल में जब ITR का सीजन आता है, कम से कम 3 से 4 हजार ITR फाइल करते होंगे, तो उसमें से कम 1,000 ITR तो यही रहती है 44 AD। ठीक सिंपल, ज्यादा इसमें कंप्यूटेशन नहीं करनी होती। और देखो बैंक, गवर्नमेंट ने भी टेंटेटिव रखा है कि भाई 6 और 8% तो मिनिमम ये बंदा मार्जिन कमा ही रहा होगा ना। यस सर। अगर इससे कम कमाता है तो भाई कौन से ITR भरो, ITR 3, और अपने ITR 3 खाते बनाओ। अगर ज्यादा कमाते हो तो 6 और 8% पे कैलकुलेट करके दे दो। तो अगली वीक में हम पूरा, ये मंडे, कमिंग मंडे को मैं एक पूरी ITR 4 फाइल करके दिखाऊंगा। कंप्यूटेशन तो हम बनाएंगे बनाएंगे, और अगर भगवान ने चाहा और माता रानी का आशीर्वाद रहा और पोर्टल ने साथ दिया तो हम उसको फाइल भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलो मैं आपको ये वाली अभी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। ठीक है, आप वहां से इसको स्टडी कर लेना। सर। सर वैसे सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो आप पढ़ा रहे हो सर उसके कहाँ थे नोट्स आप, की। हेलो, नहीं, कहाँ थे मैं तो आप? सर यही थी। अच्छा, एकदम प्रकट हुए ना आप।
नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो आप पढ़ा रहे हो उसके नोट्स अगर आप हमें प्रोवाइड करवा नोट्स सको। आपको मिल जाएंगे, मैं इसके लिए आपका सब समझता हूँ, पर कोई कुछ बात उसके नहीं। ना, हाँ कुछ उसके ना, जो हमारा कोरल पे डिजाइन करता था ना, वो बंदा थोड़ा सा कोरोना काल में गायब सा हो गया, तो उसके अच्छा पीछे अच्छा लगे हैं वो सारी, क्योंकि ये बुक्स जो होती है ना नोट्स कोरल में, एक बार इसको सेटिंग करनी होती है। अब कोई बात मैनुअल नहीं। तो पड़े हुए हैं, वो सेटिंग्स वो कर जाए तो मैं उसको कंटिन्यू चेस कर रहा हूँ, 2 4 दिन में होपफुली करके आपको मिल जाएंगे, मैं समझ रहा हूँ आपको। नहीं, कोई इश्यू नहीं नहीं है सर, वो तो बस आपको याद रहना चाहिए। नहीं मेरे को याद है, और मंडे को इसको करेंगे ना तो और सारी चीजें क्लियरिटी होती जाएगी। बाकी नोट्स है, नोट्स में आपको मैं जल्दी से जल्दी दे लूंगा। सर ठीक वो है सर, डेप्रिसिएशन चार्ट और वो आगे भी चीज आपने क्या बोला था ना टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, क्या 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 वो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का चार्ट चार्ट और वो सब था ना आप मेरे को वो। उसमें लिख के डाल देना पर्सनली, मैं सारी चीजें डाल दूंगा उसमें। ठीक है, ठीक है सर, ओके बाय, मंडे को मिलते ओके हैं। ओके सर, थैंक यू, बाय।